हेलो ऑल, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं, आज की हम आप री रीडिंग रहने वाली है। देखेंगे हम कि क्या वो आपसे बात नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक पे हमारी आज की ये रीडिंग रहेगी। ठीक है, तो आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो वही हम देखेंगे कि क्या वो आपसे वाकई में बात नहीं करना चाहते हैं या करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये हम आज का देखने वाले हैं, आज की रीडिंग का टॉपिक हमारा ये रहने वाला है। ठीक है, सो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे बात नहीं करना चाहते हैं या करना चाहते हैं। ठीक है, तो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात का आपको ख्याल रखना है। और जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्ट है वो लोग व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स दे दी जाएंगी पर्सनल रीडिंग से रिलेटेड। तो वहाँ पे आप कांटेक्ट करके अपनी पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। और ये जो है पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग होती है, पेड रीडिंग का मतलब है कि चार्जेस लगते हैं। ठीक है, तो कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, तो ये है, और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये रीडिंग, देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे बात नहीं करना चाहते हैं या करना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, क्या इनके पर्सन इनसे बात नहीं करना चाह रहे हैं? तो पहले मैं आपके पर्सन की एनर्जीज को निकालूंगी, फिर आपकी एनर्जीज को निकालूंगी, फिर आप दोनों की एनर्जीज को निकालूंगी। ठीक है, इससे जो है ना मुझे क्लियर हो जाएगा कि आप क्या, आपको भी क्लियर हो जाएगा कि आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आपके लिए रीडिंग है भी कि नहीं है, है ना? तो डिटेल रीडिंग तो नहीं करेंगे, शॉर्ट रीडिंग करेंगे हम। ठीक है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनके पर्सन उनसे बात नहीं करना चाहते हैं, क्या उनसे बात नहीं करना चाहते हैं? मुझे इनकी फीलिंग्स बताइए, इनके पर्सन की फीलिंग्स मुझे बताइए, प्लीज़ गाइड मी। ओके, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आया है एस ऑफ कप्स आपके पर्सन के लिए, प्लीज़ गाइड मी। सेवन ऑफ सॉर्ड्स, ओके। अब आपके पर्सन के लिए कार्ड मैंने निकाल लिया, अब मैं आपके लिए कार्ड निकालूंगी। ठीक है, फाइव ऑफ कप्स, ये आपकी एनर्जीज है, प्लीज गाइड मी। टू ऑफ पेंटिकल्स, ओके। दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स क्या हैं, प्लीज गाइड मी। द मून, ठीक है। तो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं, नाइट ऑफ कप्स, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे जो कार्ड्स हैं इसके अनुसार से मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आपकी रीडिंग में, आपके जो कार्ड्स हैं क्लियर बता रहे हैं कि आपके पर्सन की फीलिंग्स, देखो आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते कि नहीं। तो सबसे पहले तो आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इशूज़ हैं, ट्रस्ट नहीं है आपके पर्सन को और ना ही आपको अपने पर्सन के ऊपर शायद ट्रस्ट है। ठीक है, यहाँ पे ट्रस्ट इशूज़ मुझे ज़्यादातर दिख रहे हैं। ऐसा दिखता है जैसे कि आपके पर्सन की फीलिंग ये है कि वो आप पे भरोसा नहीं कर पा रहे, वो आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। ऐसा दिखता है जैसे कि आपके पर्सन आपसे बात तो करना चाहते हैं बट यहाँ पे क्या है, भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं हो रहा है। ठीक है, और इनको इनको ऐसा भी, इनकी फीलिंग में ऐसा देख पा रही हूँ जैसे कि इनको आपके साथ रिलेशनशिप को आगे ले जाना है बट इनको भरोसा ये नहीं है कि आप इनके साथ लाइफ टाइम रहोगे, आप इनके साथ वो रिलेशन निभा पाओगे जो इनको चाहिए, इनको ये भरोसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इनको लगता है कि शायद आप जो है बीच रास्ते में इनका साथ छोड़ करके चले जाओगे, किसी और के साथ इनको चीट कर जाओगे, है ना? तो आपके पर्सन की मुझे फीलिंग ये नज़र आ रही है, यहाँ पे ऐसे ये मुझे नज़र आते हैं कि ये पर्सन बात करने में इंटरेस्टेड है, इनको बात करनी है आपसे। ठीक है, यहाँ पे मुझे नज़र आता है कि ये पर्सन को इस पर्सन की दिल से इच्छा है कि ये बात करे, ये चूँकि ये आपसे प्यार करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लव है, यहाँ पे एक नए रिश्ते की शुरुआत, ठीक है, एक नया जन्म हो रहा है, यानी कि एक नए रिश्ते की शुरुआत हो रही है। तो यहाँ पे मुझे यही नज़र आता है कि आपके जो पर्सन है न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपसे बात तो करना चाहते हैं ये बट इनको भरोसा
नहीं है, ठीक है, यहाँ पे ट्रस्ट नहीं है, यहाँ पे सेवन ऑफ सॉर्ट्स, हमेशा इनके मन में वो एक छल कपट वाला सीन चलता रहता है कि हो सकता है कि इन्होंने जो है अपने पास्ट लाइफ में इनके जो है और भी कनेक्शंस रहे होंगे, और भी लोगों के साथ इन्होंने डील किया होगा, उन्होंने इनको चीट किया होगा, जिसकी वजह से ये पर्सन जो है ना ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, इस वजह से ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये आपके क्रश भी हो सकते हैं, ठीक है, तो ये आपसे बात इसलिए नहीं कर रहे हैं, वरना बात तो करना चाहते हैं आपसे। यहाँ पे मैं आपकी फीलिंग को देखूँ, फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी में हो आप, उदास हो रहे हो, परेशान हो रहे हो इनके बिहेवियर की वजह से, ये आपसे क्यों नहीं बात कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए आप परेशान हो, ठीक है। यहाँ पे मुझे नज़र आता है कि आप जो हो, आपकी उम्मीदें इनसे बहुत ज़्यादा हैं, आप इनसे अभी भी जो है कार्ड्स बताते हैं कि आप अभी भी इनसे, वो एक होता है ना कि अटैच हो, ठीक है, और अभी भी उम्मीद लिए बैठे हो कि ये पर्सन आपसे बात करेंगे, आपके पर्सन आपसे बात करेंगे, आपसे क्लियर करके कुछ बताएंगे, अपनी फीलिंग्स को बताएंगे, लेकिन ये पर्सन जो है ना आपको लेकर के, आपकी फीलिंग्स को लेकर के ये सब पर्सन नहीं समझ रहे हैं, आप यही समझ रहे हो, ठीक है, और आप उदास हो रहे हो, आप परेशान हो रहे हो, क्योंकि आप इतने ज़्यादा एफर्ट्स आपने डाले हैं अपने रिलेशनशिप में, आपने वो चीज़ दिया है अपने रिलेशनशिप में, अपने पर्सन को वो एक कंफर्टेबल फील करवाना होता है, वो करवाया है आपने, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको रिजल्ट क्या मिला, आपके पर्सन आप पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, इनको ट्रस्ट नहीं हो रहा है, ये सब जान करके आपको दुख महसूस हो रहा है, तकलीफ़ महसूस हो रही है, अपने आप में एक होता है ना कि यार मैंने ये क्या किया है ना, मैंने इतना कुछ किया फिर भी उसको एहसास नहीं है, है ना, तो आपके अंदर ये वाली फीलिंग्स हैं, और आप जो है जगलिंग कर रहे हो, यहाँ पे आप जो है डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, जगलिंग कर रहे हो, यहाँ पे ऐसा देख नज़र आता है जैसे कि आपको डिसीज़न लेना है, आपको यहाँ पे दो चीज़ों में से यहाँ पे डिसीज़न लेना है, आपको मूव ऑन करना है या इस पर्सन का वेट करना है, आप कंफ्यूज़ हो रहे हो, आपको इस रिलेशनशिप में कंटिन्यू करना भी है कि नहीं करना है, क्या ये बात करेंगे नहीं करेंगे, आप टोटली कंफ्यूज़ हो रहे हो, ठीक है, आप हालांकि बैलेंस करने की बहुत कोशिश करते हो अपने पर्सन का माइंड, अपने पर्सन के सिचुएशंस, है ना, उनसे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं आपको, ठीक है, आप बैलेंस करने की कोशिश करते हो, बट यहाँ पे क्या है कि आपके जो पर्सन है, ठीक है, आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे आपको वही तकलीफ़ हो रही है, यहाँ पे तो मुझे नज़र आता है कि आपके जो कार्ड्स हैं आपकी फीलिंग के अनुसार, यहाँ पे आप अभी दुखी हो, ठीक है, अपने पर्सन की वजह से दुखी हो, ठीक है, आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे द मून का कार्ड आया है, यहाँ पे दोनों की फीलिंग्स देखो, यहाँ पे क्या है कि इस पर्सन के दिल में भी डर है और इस पर्सन के भी दिल में डर है, यानी कि दोनों जो है ना डर रहे हैं, दोनों को कुछ और दिख रहा है, सच्चाई कुछ और है लेकिन दिख कुछ और रहा है आपके पर्सन को, ठीक है, आपके पर्सन को क्या है कि आप पे मैंने कहा कि ट्रस्ट नहीं है इस पर्सन को, तो यहाँ पे ऐसा दिखता है ना जैसे कि इनके सामने कोई थर्ड पार्टी है, कुछ ऐसा है जो इनको कहते हैं ना कि कथा है ना, कथा उन्होंने जो इनको सुनाई है, ठीक है, ये पर्सन मुझे लगता है कि झूठ की नींव है ना, झूठ की नींव यहाँ पे रखी गई है आप दोनों के रिलेशनशिप को तोड़ने के लिए, है ना, तो यहाँ पे ये पर्सन जो है ना यहाँ पे इसलिए भरोसा नहीं कर पा रहे क्योंकि इस पर्सन ने यहाँ पहले भी चोट खाई है और यहाँ पे आप टूट रहे हो कि मेरे इतना देने के बावजूद भी मुझसे ये मिल रहा है ना, तो दोनों के फीलिंग लगभग लगभग वो फियर वाली फीलिंग्स हैं, ठीक है, डर है अंदर ही अंदर, बहुत कुछ है, बहुत कुछ फीलिंग्स है लेकिन किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हो, दोनों के दोनों, ठीक है, दोनों के दोनों, एक नहीं दोनों के दोनों, ठीक है ना, तो मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। चलो और कार्ड्स देखते हैं कि क्या ये पर्सन आपसे बात करने वाले हैं कि नहीं करेंगे, ठीक है, तो कब तक बात करेंगे ये, ठीक है, तो देखते हैं कार्ड से, प्लीज यूनिवर्स गाइड में। ओके, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, ओके, वेरी नाइस, टेन ऑफ कप्स, वाओ, वेरी नाइस, ओके, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है, अब आपके लिए मैं कार्ड निकाल रही हूँ,
किंग ऑफ रॉड्स, ठीक है। फोर ऑफ सॉर्ड्स, ओके। द एम्प्रेस, ओके, वेरी नाइस। तो यहाँ पे मैं देखूँ तो आपके जो पर्सन हैं ये आपको कब तक यहाँ पे जो है इनकी फीलिंग मैं देख पा रही हूँ फ्यूचर के लिए कि ये कब तक बात करने के बारे में सोचेंगे। तो यहाँ पे मैं देखूँ तो ये पर्सन की फीलिंग में कहूँ तो देखो फाइव ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे ये पर्सन थोड़ा सा रिस्की टाइप का ऐसा दिखता है, जैसे कि ये रिस्क लेने से डर रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, ठीक है, आप दोनों के बीच में। और यहाँ पे बस इस पर्सन के मन में वही डर है, बस एक ही डर है कि ये मुझे चीट करेगा, मुझे धोखा देगा, मुझे तकलीफ़ देगा, मुझे बीच में ही डिच कर जाएगा और फिर जो है ना मैं यहाँ पे अकेला ही रह जाऊँगा, है ना। एनर्जी वाइज वर्षा हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे ये पर्सन बात करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। देखो टेन ऑफ कप्स का कार्ड है, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स है, ये पर्सन को बात करनी है आपसे। यहाँ पे ये पर्सन जो है ना आपके साथ बात करने में काफ़ी कंफर्टेबल फील करते हैं। हो सकता है कि आपके बच्चे होंगे या फिर इनके बच्चे होंगे, ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना अटैच है। यहाँ पे मुझे नज़र आता है बच्चों से भी प्यार है और यहाँ पे आपसे भी प्यार है, प्यार तो बहुत है यहाँ पे। मुझे नज़र आता है कि आपके पर्सन आपसे बात करेंगे, ठीक है, बस आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा क्यों है क्यों क्या सॉरी क्या है ना कि थोड़ा सा घबराने से जल्दी चीज़ों हम प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है, तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे किंग ऑफ रॉड्स का कार्ड है। आपकी फीलिंग को मैं देखूँ तो आप जो है मैनिफेस्ट करोगे, फोर ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड है, मैनिफेस्ट करोगे, अपने पर्सन के आने का वेट करोगे, आपको होगा कि मेरा पर्सन आएगा, मुझे लेके जाएगा, है ना। तो इस तरह की एनर्जी है, आपकी एक्सपेक्टेशंस जो है, आपके जो सपने हैं वो आपको पता है कि वो मुझे वेट करना पड़ेगा तभी ये मिलेगा पर्सन, मुझे मेरी लाइफ में ये तभी आएगा, ये समय से पहले नहीं आएगा, ये डेस्टिनी के पहले डेस्टिनी के टाइमिंग के अनुसार से ही ये पर्सन आएगा आपकी लाइफ में, ठीक है, आपको ये पता है, ठीक है, काफ़ी हद तक आप जानते हो रिज़ल्ट क्या है, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये भी नज़र आ रहा है फोर ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड से कि आज जो है आज रात में आप अपने पर्सन को मैनिफेस्ट करने वाले हो, मन ही मन बात करोगे उनसे, दिल ही दिल बात करोगे उनसे, है ना। द एम्प्रेस यानी कि आप जो है हो सकता है कि उनकी पिक्स वगैरह देखो, है ना, उनकी तरफ अट्रैक्शन महसूस होगा, उनकी उनसे बात करने की चाहत महसूस होगी, है ना। तो आपके पर्सन तो चाहते हैं आपसे बात करना, वो बात नहीं कर रहे हैं, वो उनका एक अलग रीज़न है, बट चाहते हैं बात करना। चलो तो देख लेते हैं, कार्ड्स निकालते हैं, एक कार्ड मैं निकालूँगी, देखूँगी कि कब तक बात करेंगे ये, कब आएंगे ये, कब बात करेंगे। नाइट ऑफ कप्स ये अपना लव ऑफर करके करने आ रहे हैं, ठीक है, ये जो है ना अपना लव ऑफर करेंगे। और मुझे नज़र आता है कि थ्री डेज थ्री वीक्स लग सकते हैं इस पर्सन को आपके पास वापस आने में या फिर बात करने में, ठीक है ना, इतना टाइम लग जाएगा आपके पर्सन को आपकी तरफ आने में। यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी मुझे नज़र आता है, ठीक है। तो यहाँ पे कार्ड्स क्लियर हैं कि आपके जो पर्सन हैं आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, ये आपसे बात करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये है। सो रीडिंग को अब हम करते हैं ख़त्म, मिलते हैं अगली रीडिंग में, ठीक है, बाय बाय।